दोस्तों अगर आप परेशान हैं कमेंट स्पैमिंग से या कुछ ऐसे यूजर्स से जो आपकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी ही दुकान लगा के बैठ जाते हैं कि चेक आउट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, या कुछ ऐसे लिंक्स पोस्ट कर देते हैं या कहते हैं जी सब्सक्राइब आई विल बी सब्सक्राइब यू बैक, या कुछ ऐसी चीप या घटिया किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में जो बिल्कुल नागवार गुजरती है, और अगर आप परेशान हैं इन स्पैमर से तो आपको जस्ट मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है और आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका एक बहुत बड़ा मसला जो कमेंट स्पैमिंग है। आप स्पैमर्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं और कैसे कुछ वर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं ताकि कोई भी यूजर्स या स्पैमर उन वर्ड्स को आपकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूज ना कर सके, क्योंकि स्पैमिंग जो है एक बहुत बड़ा मसला है और एक कॉमन सी चीज है, और बहुत सारे लोग कमेंट स्पैमिंग जो है प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं और उनका मकसद होता है कोई ट्रैफिक को गेन किया जाए, कोई बेनिफिट उठाया जाए, या जो भी उनका मकसद है। और अगर आप भी परेशान हैं उन स्पैमर से और आप उन स्पैमर से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं तो आप इस वक्त बिल्कुल राइट वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन को क्लीन एंड क्लियर बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने चैनल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्रिएटर स्टूडियो वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल के क्रिएटर स्टूडियो में चले जाएंगे, और उसके बाद आपको एक कम्युनिटी की ऑप्शन है जो लेफ्ट बार मेन्यू है, वहाँ पे आपको कम्युनिटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कम्युनिटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आफ्टर उसके बाद आपको कम्युनिटी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कम्युनिटी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल कुछ इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो यहाँ इस पेज के ऊपर कम्युनिटी सेटिंग्स के पेज के ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको बारी बारी में डिटेल में देखते हैं, बट सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो ब्लॉक्ड वर्ड्स का एक सेक्शन है, यहाँ आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इस बॉक्स के अंदर आप जो भी वर्ड मेंशन करेंगे वो कोई भी यूज़र आपकी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर पाएगा, और जैसे ही वो बंदा आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट करेगा और ये वर्ड ब्लॉक्ड वर्ड को यूज़ करेगा तो वो जो कमेंट है वो स्पैमिंग में चला जाएगा, और वो आपको बिल्कुल कमेंट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बिल्कुल इस जगह के ऊपर आपको वो कमेंट शो होगा, लाइकली स्पैम जो है ना टैब, इसके अंदर आपको वो शो होगा। तो जैसे ही आपको कोई भी ऐसा जो कमेंट है वो यहाँ पे शो हो रहा हो तो आप उसको यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं मैन्युअली, डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेटिंग वाले पेज के ऊपर ब्लॉक्ड वर्ड सेक्शन में कुछ वर्ड्स रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वो वर्ड्स तो लाजमी ऐड कर दें उसके अंदर, बाकी जो भी आप मुनासिब समझते हैं, जो वर्ड्स जो ज़्यादा इरीटेटिंग है, जो आपके कमेंट्स जो यूज़र्स हैं वो आपको तंग करते हैं वो वर्ड यूज़ करते हुए, आप वो वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। जो भी उसके अलावा आप और भी कोई वर्ड ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सब फॉर सब, उसके बाद दोस्तों एक कोमा लगाना है आपने, और उसके बाद आपको मेंशन करना है चेकआउट माई चैनल, उसके बाद आपको दोस्तों यूज़ करना है सब मी आई विल सब यू बैक, और उसके बाद आपको जो है वर्ड हो सकता है डिफरेंट किस्म की, अब पंजाबी लैंग्वेज में तो काफ़ी लोग एक दूसरे को गालियां भी दे देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो भी है। तो बिल्कुल आप जो है ना ये ऐसे जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी जो है ना यूज़र आपकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी दुकान मत खोले, कोई भी अपना लिंक जो है उसे पोस्ट ना कर पाए। तो ये आप इस सेक्शन में इस तरह के काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि ब्लॉक वर्ड सेक्शन में आप जो भी वर्ड लिखेंगे वो वर्ड ब्लॉक कर देगा, कमेंट सेक्शन में अप्रूव नहीं होगा, वो स्पैम में चला जाएगा, आप उसको मैन्युअली देख सकते हैं। तो अगर इस पेज के ऊपर मौजूद दूसरी ऑप्शन को देखा जाए तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है मॉडरेटर। मॉडरेटर्स जो हैं ये वो यूज़र्स हैं
जो जिनको आप ऑथराइज करते हैं कि वो आपके कमेंट्स वगैरह को डिलीट कर दें, अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो आपने ब्लॉक किया हुआ है लेकिन यूजर उसको किसी डिफरेंट तरीके से यूज करता है और वो जो कमेंट है वो पब्लिश हो जाता है, तो आप के पास खुद के पास इतना टाइम नहीं कि आप उन कमेंट्स वगैरह को डिलीट कर सकें, तो आप कुछ मॉडरेटर्स वगैरह, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ आपके अच्छे यूजर्स होते हैं, एक अच्छे दोस्त होते हैं, आप उनको ऑथराइज कर सकते हैं कि अगर वो कोई भी ऐसा कमेंट देखें आपकी वीडियोस के नीचे तो उसको वो फौरी तौर पर डिलीट कर दें। तो आपको जस्ट उन मॉडरेटर्स वगैरह के जो यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं उनका वन बाई वन यहाँ पे ये जो चैनल यूआरएल है वो आपको पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो आपकी मॉडरेटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा और वो जो मॉडरेटर्स हैं उनको जो कमेंट्स वगैरह शो होंगे वो बिल्कुल हेल्प फॉर रिव्यू वाली जो टैब थी उसके अंदर शो होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइकली स्पैम वाली टैब थी और उसके बाद हेल्प फॉर रिव्यू वाली टैब है। इसके अंदर जो कमेंट्स वगैरह शो होंगे वो मॉडरेटर्स वगैरह जो आपने लिस्ट में ऐड किए हुए हैं वो यहाँ से उन कमेंट्स को डिलीट कर सकेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं उसी पेज के ऊपर। तो सेकंड ऑप्शन पे है दोस्तों अप्रूव्ड यूजर। तो अप्रूव्ड यूजर्स ये वो यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर आपकी वीडियो पे बिल्कुल जो रेगुलर कमेंट है, अच्छा कमेंट है वो करता है और यूट्यूब का जो सिस्टम है वो उसे स्पैम कर देता है, तो आप स्पैम लिस्ट में देखते हैं जाके कि यार ये तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कुछ स्पैम हो गए हैं या इस यूजर्स के कमेंट जो हैं बार बार स्पैम हो रहे हैं, तो आप जो है उस यूजर को उसके कमेंट्स को एक दफा अप्रूव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो यूजर जो है जब भी कमेंट करे तो उसके कमेंट कभी भी स्पैम के अंदर ना जाए। तो उसके बाद दोस्तों तीसरी ऑप्शन है हिडन यूजर्स। तो ऐसे यूजर्स जो बिल्कुल चीप या घटिया किस्म के कमेंट करते हैं और आप नहीं चाहते कि वो उन यूजर्स के कमेंट को कोई और यूजर्स भी जो जिन्होंने आपके कमेंट किए हैं वो भी रीड कर सकें, तो आप उन यूजर्स को हाइड कर दें यहाँ से, तो फिर उनके कमेंट्स वगैरह वो जो मर्जी करते रहें, कमेंट करते रहें, बकवास करते रहें या चीप किस्म की कमेंटिंग करते रहें, उनको कोई भी अदर यूज़र रीड नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद जो ऑप्शन है ब्लॉक्ड वर्ड्स की, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे आपको जस्ट अपने जो ब्लॉक वर्ड जो आप चाहते हैं वर्ड्स को ब्लॉक करना तो आप यहाँ पे उन वर्ड्स को मेंशन कर दें। यूट्यूब जैसे ही कोई भी बंदा कमेंट करेगा और वो वर्ड इन वर्ड से मैच हो गया तो वो कमेंट जो है ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाएगा, पब्लिश नहीं होगा। तो नीचे कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे कमेंट्स ऑन योर न्यू वीडियोज़ के ऊपर जो भी कमेंट्स हैं अलाउ ऑल कमेंट्स के आप अलाउ करते हैं कि अगर कोई अच्छा कमेंट हो या कोई भी जो कमेंट हो जो आपने ब्लॉक नहीं किया हुआ वो पब्लिश हो जाए तो वो पब्लिश हो जाएगा। अगर होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, तो जैसे ही कोई बंदा कमेंट करेगा पब्लिश करेगा वो कमेंट वहाँ से पब्लिश नहीं होगा और वो अंडर रिव्यू रहेगा जब तक आप उसे मैन्युअली अप्रूव ना कर दें। डिसेबल कमेंट्स है, इसमें आप अपनी वीडियो के नीचे कमेंट्स को वैसे ही डिसेबल कर सकते हैं कि कोई भी बंदा आपके वीडियो के नीचे कमेंट ना कर सके, और ये जो चीज़ है नॉन रिकमेंडेड है दोस्तों, ये चीज़ होनी चाहिए कि वीडियो अगर एक यूज़र को कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, इसका फीडबैक तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो डिसेबल कमेंट्स वाला तो बिल्कुल भी सिलेक्ट मत कीजिए। उसके बाद कमेंट्स ऑन योर चैनल के ऊपर कमेंट हैं तो यहाँ पे डिसेबल हैं ऑलरेडी, तो डिसेबल ही रहने दें, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद है क्रिएटर क्रेडिट्स ऑन योर चैनल। क्रिएटर क्रेडिट्स होते हैं, अलाउ ऑल क्रिएटर क्रेडिट्स, तो क्रिएटर क्रेडिट्स की भी कोई ऑप्शन है, इसका डिटेल में जो है वो इतना ज़रूरत नहीं है जानने की, तो बस इसको अलाउ है ऑटोमेटिकली तो इसको अलाउ ही रहने दें यहाँ से। तो दोस्तों ये था वो प्रोसीजर जिसको फॉलो करते हुए आप स्पैमर्स को अपनी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर कमेंट करने से ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आपके लिए चैनल में लेके आता रहूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।